إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وقال جل شأنه في مقام آخر وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا قابل احترام حاضرین جمعہ سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر اپنے دین کو مکمل فرمایا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا حقدار بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین جس طریقے سے کوئی انسان صحت مند یا بیمار ہوتا ہے اس کے بدن کو کچھ بیماریاں لگتی ہیں بالکل اسی طریقے سے انسانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک کامل ایمان والے اللہ کی شریعت پر یقین رکھنے والے عمل کرنے والے اور دوسرا وہ جو شریعت کی نافرمانی کرتے اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کیا کرتے ہیں جس طریقے سے بدن کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں
उसी तरीके से इंसान की अपनी रूह को, उसके अपने दिल को कुछ गुनाहों की बीमारियां लाहिक हो जाती हैं जो उसके ईमान को कमजोर से कमजोर तरीन कर देती हैं, या बाज़ औक़ात ये बीमारियां उसे बेईमान भी बना देती हैं, ईमान से खारिज भी करा देती हैं। ऐसी ही एक बीमारी जो बड़े अफसोस के साथ हम आपके अंदर इस अंदाज से पाई जाती है कि अक्सरों को उस बीमारी का पता नहीं चलता, अक्सर उसको नहीं पहचान पाते। वो बीमारी ऐसी है कि इंसान को अल्लाह का शुक्रगुजार बनाने के बजाय अपने आप पर फख्र करने वाला, इतराने वाला बना देती है। अल्लाह की तारीफ से हट करके अपनी तारीफ, अपनी बड़ाई, अपनी सलाहियत, अपनी ताकत का कहने वाला बना देती है। और वो बीमारी इंसान को बजाय इसके कि वो मुतवाज़े रहे, खाकसार रहे, नर्म मिजाज रहे, उसके अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा करा देती है। और ये ऐसी बीमारी है कि अगर किसी नफ्स में आ जाए, किसी इंसान में जगह पा जाए, तो उसके सामने किसी और का कोई मकाम बाकी नहीं रहता, किसी और का कोई एहतराम उसके दिल में बाकी नहीं रहता, बल्कि वो दूसरों को हकीर समझने लगता है, दूसरों के हुकूक को तर्क करने लगता है। ये वो बीमारी है कि जिसको हम खुद पसंदी का नाम दें कि इंसान को अपना आपा पसंद हो, अपनी राय पसंद हो, अपना स्टैंड, अपना मौकिफ, अपनी बात, अपना अमल, गरज ये कि खुद पसंदी उसके अंदर इतनी छा जाए कि वो सिर्फ अपने आप को देखे, किसी और को न देखे, उसे सिर्फ अपना आपा दिखाई दे, कोई और दिखाई न दे, पूरी सलाहियतें, पूरी नेकियां, पूरी भलाइयां, पूरी ताकतें सिर्फ अपने अंदर उसे दिखाई देने लगे, तो खुद पसंदी एक ऐसी अजीम और खतरनाक बीमारी है कि किसी इंसान के दिल में अगर जगह कर जाए तो उसे शिर्क और कुफर के करीब तक पहुंचा देती है। और ऐसे लोग आमतौर पर इनके साथ कोई भला हो, इन पर कोई नेमत आ जाए, इनको कोई फायदा पहुंच जाए, इनके साथ कुछ बेहतर मुआमला हो जाए, तो अपने आप की तारीफ में लग जाते हैं कि मेरे फलां अमल की वजह से मुझे यह फायदा मिला, मेरे फलां बात की वजह से मुझे फायदा नसीब हुआ, मेरी फलां सलाहियत की वजह से आज मैं इस मकाम पर हूं, बजाय इसके कि इन नेमतों की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करें, बजाय इसके कि इन नेमतों पर अल्लाह के शुक्रगुजार बने, खुद पसंदी का शिकार हो जाते हैं, अपने आप में सलाहियतों को पा करके अपने आप ही पर एतमाद करने लगते हैं। और मौजूद हाजरीन, ये खुद पसंदी देखिए एक एतबार से शिर्क तक पहुंचाने वाला अमल, शिर्क तक पहुंचाने वाली एक बीमारी है। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह कहा करते थे, वकसीरम मा युक्रनु रिया बिल उजब, कि आम तौर पर उलमा के कलाम में, नुसूस में, या आम तौर पर नसीहतों में
रियाकारी के साथ अगर किसी बीमारी का, अगर किसी बुराई का तज़किरा होता है तो खुद पसंदी का तज़किरा होता है। रियाकारी के साथ खुदपसंदी जोड़ दी जाती है कि इंसान को अपनी राय पर ज्यादा भरोसा हो, अपनी सोच पर ज्यादा भरोसा हो, अपने इल्म पर ज्यादा एतमाद हो, अपनी हैसियत पर ज्यादा एतमाद वो रखता हो। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि रियाकारी के साथ आम तौर पर उलमा के कलाम में यह खुदपसंदी को जोड़ दिया जाता है। रियाकारी क्या है? क्या आप अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी में मखलूक में से किसी चीज को शरीक कर लें? अर्रिया मिन बाबिल इशराक बिल खल्क, क्रियाकारी यह है कि आप इबादतों में मखलूकात में से किसी को शरीक कर दें, नमाज पढ़ें अल्लाह के लिए लेकिन साथ में उसको दिखाना मकसूद हो, नेकियां करें, खैर के काम करें, अल्लाह के लिए करें लेकिन साथ में साथ फुला नौकरी का, फुला फायदे का पाना मकसूद हो, फुला की रजामंदी मकसूद हो, तो आपने अल्लाह की इबादत में मखलूक को शरीक कर दिया, ये रियाकारी है। वल उज्ब मिन बाबिल इशराक बिन नफ्स, खुदपसंदी ये अल्लाह की नेमतों के मिलने पर, अल्लाह की तौफीक के मिलने पर, इबादतों पर अल्लाह की तारीफ के बजाय अपनी भी तारीफ करने लगे, अल्लाह की बड़ाई बयान करते करते अपने आप को भी बड़ा समझने लगे, अपने आप को भी दाखिल कर ले, ये उजब है। और कहते हैं इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, वहादा हालुल मुस्तकबिर, आम तौर पर तकब्बुर करने वालों की यही हालत होती है कि अल्लाह के शुक्र के बजाय अल्लाह के शुक्र के साथ अपने नफ्स को दाखिल कर लें, यह भी एक किस्म का शिर्क है। और कहते हैं इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, फल मुराई ला युहक्किक कौलहु इय्याक नअबुद, सूरह फातिहा की जो एक आयत है इय्याक नअबुद व इय्याक नस्तईन, बड़ी अजीम आयत है, बड़े अजीम मानी अल्लाह ताला ने इस सूरत में रखे, खुलासा कुरान है। इस एक आयत को देखें, इय्याक नअबुद व इय्याक नस्तईन, जो दो जुमलों पर मुनहसिर है कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और ऐ अल्लाह हम तुझ ही से मदद चाहते हैं। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि अल-मुराई ला युहक्किक कौलहु इय्याक नअबुद, रियाकारी करने वाला इय्याक नअबुदु का सही मानों में मानने वाला नहीं है, रियाकारी करने वाला इय्याक नअबुदु में गलती करता है। इय्याक नअबुदु इसका माना यह है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, रियाकारी करने वाला तेरी ही इबादत नहीं करता, तेरी भी इबादत करता है, किसी और को भी शामिल करता है। और कहते हैं वल्मुअजब ला युहक्किक कौलहु इय्याक नस्तईन, और जो खुद पसंद हो, जिसको अपने आप पर हकीकत से ज्यादा एतमाद हो, वो इय्याक नस्तईन में पक्का नहीं होता। इय्याक नस्तईन का माना यह है कि ऐ अल्लाह हम तुझ ही से मदद चाहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक मुसलमान का कलिमा है कि मेरे अंदर अगर जर्रा बराबर भी ताकत है अल्लाह तेरी तरफ से है, किसी भी तसर्रुफ की ताकत, हरकत की ताकत अल्लाह ताला देते हैं, अल्लाह ने ताकत दी तो हम हरकत कर पाते हैं, काम कर पाते हैं, भलाइयां कर पाते हैं, अगर वो छीन ले किसी इंसान को हरकत की ताकत तक हासिल नहीं होगी। इय्याक नस्तईन, बंदा ये कहता है कि अल्लाह हम तेरी ही मदद से, तुझी से हम मदद मांगते हैं, तेरी मदद से ही हम नेकियां करते हैं, और जिसको खुद पसंदी, खुद एतमादी बहुत ज्यादा हो जाए तो गोया अपने जबान हाल से ये कहता है कि तेरी मदद तो हम चाहते हैं लेकिन मेरे अपने नफ्स का भी उसमें दखल है, तेरी मदद तो हम मांगते हैं लेकिन मेरा अपना आपा भी उसके अंदर है, मैं खुद भी करता हूं। और कहते हैं मेरे तैमिया रहमतुल्लाह, फमन हक्क कौलहु इय्याक नअबुदु खरज मिन अर्रिया, कि अगर कोई आदमी इय्याक नअबुदु का माना सही माने में समझ ले, उस पर अमल कर ले, रियाकारी से बच गया,
ومن حقق قوله اياك نستعين خرج من الاعجاب. कहते हैं कि अगर कोई इयाक नस्तईन का माना सही मानों में समझ ले, उसके मुताबिक अमल कर ले, तो खुद खुद पसंदी से अपने आप को बचा सकता है। और बड़े अफसोस के साथ, बड़े अफसोस के साथ हमारी आम तौर पर हालत यह है, हमारी सोच यह है, हमारी जबान यह कहती है कि हम अपनी राय में पक्के हैं, अपने अमल में पक्के हैं, मैंने जो कहा वो सही, मैंने जो किया वो सही, मैं जो कदम उठाता हूं बिल्कुल पूरे अक्लो दानिश के साथ उठाता हूं, मैं जो काम करता हूं तमाम मराहिल को पार करके मैं वो काम करता हूं, यानी मुकम्मल इत्कान मेरे अमल के अंदर है, मेरे अमल में कोई कमी नहीं पाई जाती, मेरे बात में कोई कमी नहीं पाई जाती, मेरे आमाल में कोई खलल नहीं है, यह अल्लाह ताला को नापसंद है कि बंदा अपनी किसी भी चीज पर इतराने लगे या अपने किसी भी चीज को बेहतर समझने लगे कि मेरा यह फैसला सबसे बेहतर है, मैं किसी की राय कबूल नहीं करूंगा, दूसरों को हकीर नजर से देखे। मौजूद हाजरीन, यह खुद पसंदी एक ऐसी बीमारी है जो अंदर से इंसान को खोखला कर देती है, अंदर से इंसान को मार देती है। मौजूद हाजरीन, सहाबा तो सहाबा थे, जंगे हुनैन के मौके पर जब सहाबा को लगने लगा कि तादाद में बहुत हैं, हम कुछ हैं, हसीमत उठाए, सहाबा में से एक बड़ी तादाद जंग के मैदान से पलटकर भागने लगी, जिसकी तस्वीर अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान करते हैं, वयौम हुनैन इज अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग्नि अनकुम शैआ वज़ाकत अलैकुम अल-अर्ض बिमा रहबत थुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। कि जंगे हुनैन के उस दिन को याद करो कि जब तुम्हारी तादाद ने तुम्हें खुश कर दिया था, खुद पसंदी का शिकार हो गए थे कि हां हम इतने हैं, यह कसरत यह तादाद की ज्यादती तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकी, जमीन तुम्हारी तंग हो गई, पलटकर भागने लगे। खुद पसंदी अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को आजिजी पसंद है, अल्लाह को खाकसारी पसंद है। अल्लाह ये चाहता है कि हर मामले को अल्लाह के हवाले किया जाए, अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हर मसले को अल्लाह के हवाले किया जाए, बंदा हर हाल में अल्लाह ताला का फकीर और मोहताज बना रहे, बंदे के अंदर इस्तिग़ना बेनियाजी की कैफियत पैदा ना होने पाए, बंदा अपने आप को बहुत कुछ ना समझने लगे, अपने आप को बहुत ऊंचा ना गर्दानने लगे, ये अल्लाह ताला चाहते हैं। या अय्युह अन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीउल हमीद। ऐ लोगों, तुम सब किस्म मोहताज हो अल्लाह के, जो कपड़ा पहनते हो अल्लाह का पहनाया हुआ है, जो खाते हो अल्लाह का खिलाया हुआ है, हिदायत पर हो तो अल्लाह ने तौफीक दी है, वरना इंसान के अंदर कुछ नहीं था, इंसान की कोई हैसियत नहीं थी, कोई सलाहियत नहीं थी। तो मौसा हाजरीन, तकबर एक अलग चीज है, तकबर करना एक अलग चीज है, लेकिन खुदपसंदी ये उससे निचला दर्जा है जो बगैर तकब्बुर के भी होता है। मैं इसकी मिसाल दूं, उलमाए किराम लिखते हैं कि अगर पूरी दुनिया में एक आदमी हो मिसाल के तौर पर, कोई उसके मुकाबिल ना हो, कोई उसके साथ ना हो, तो उस आदमी के अंदर खुद पसंदी हो सकती है कि वो अपने आप को अच्छा समझने लगे, अपने आप को बेहतर समझने लगे, अपनी राय को बेहतर समझने लगे, ये खुद पसंदी कहलाती है। और अगर उसके साथ कोई और हो, उसके मुकाबिल कोई और हो, और वो उससे अपने आप को बेहतर समझने लगे, तो ये तकब्बुर है। तकब्बुर में किसी और की जरूरत पड़ती है कि बंदा उस पर अपने आप को ऊंचा महसूस करे, खुद पसंदी में किसी की जरूरत नहीं है, बंदा अपने कमरे में बैठ करके अपने आप को सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा अल्लामा, सबसे बड़ा पहलवान, सबसे बड़ा सलाहियत वाला समझ सकता है।
जैसा कि हम में से अक्सरियत को बीमारी लाहिक है, अक्सरियत इस बीमारी का शिकार है कि मेरी राय सबसे बेहतर है, मेरा कहना सबसे बेहतर है, मेरा अमल सबसे बेहतर है, मेरी इबादत सबसे बेहतर है, मेरी तिजारत सबसे बेहतर है, मेरे आलो औलाद सबसे बेहतर है, मेरा मालो मता सबसे बेहतर है। यह अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, अल्लाह ताला इसे नहीं चाहते। यह बीमारी ऐसी है कि बीमारी अगर आ जाए तो इंसान के अंदर तकब्बुर गुरूर पैदा करा देती है, यह बीमारी इंसान के दिल में समो जाए तो उसको गुनाहों पर आमादा कराती है, बल्कि शिर्क व कुफ्र तक पहुंचा देती है, शिर्क व कुफ्र तक पहुंचा देती है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह ने एक रिवायत नकल की है, बल्कि उससे पहले इमाम बुखारी मुस्लिम की एक रिवायत है, कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पिछले जमाने का वाकया है कि एक आदमी राह चल रहा था, बेहतरीन लिबास जेबतन किए हुए, वो अपने आप को बड़ा अच्छा लग रहा था, अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रहा था कि मैं कितने अच्छे लिबास में हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं सबसे अफजल हूं, सबसे बेहतर हूं। तो अजीब हूं नफ्स हूं, उसका नफ्स उसको खुश रखा था, उसके नफ्स पर वो बड़ा खुश था, अपने आप पर बड़ा खुश था। मुरज्जिल जुम्मत हु, बाल बड़े बेहतर अंदाज से संवरे हुए थे, यह उसकी हालत थी। और बस रिवायत में आता है यह तबख्तरूफी मिशियती ही, अपनी चाल में थोड़ी सी तकबुराना चाल भी उसके अंदर थी। कहते हैं इज खसफ अल्लाह बिह, ये हालत अल्लाह ने देखी तो फौरी जमीन में वहीं उसे धंसा दिया। इद खसफ अल्लाह बे, अल्लाह ने उसे धंसा दिया। फहुआ यतजलजल इला यौमिल कियामा, कहते हैं कि कयामत तक वो जमीन में धंसता ही रहेगा, धंसता ही रहेगा। उसकी खराबी क्या थी, उसका गुनाह क्या था? उसका गुनाह यह था अलउज्ब, खुदपसंदी, कि मैं बहुत बेहतर हूं, मैं सबसे बेहतर हूं। उसका नफ्स उसको बहुत खुश कर रखे हुआ था, इतरा के चलने लगा, अखड़ के चलने लगा, अल्लाह को बुरा लगा, अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया। बड़े अफसोस के साथ हम में से अक्सरियत की चाल, अक्सरियत के चलने का अंदाज हमेशा न सही तो कम से कम कई मौकों पर इतराने वाला होता है। कुछ अच्छा लिबास पहन लें, कुछ अच्छी हयात में रहें, कोई अच्छी सवारी में रहें, चाल ही बदल जाती है, अंदाज ही बदल जाता है। अगर नफ्स चीर के देखा जाए तो खुदपसंदी कूट कूट के भरी हुई उसके अंदर होती है। अब अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला वैसों को वही धंसाता नहीं है, अल्लाह ढील देता है, अल्लाह मोहलत देता है। अब मसला यह था कि उसने अपने आप को कमाल की निगाह से देखा, वो जो चल रहा था देखा कि मैं मुकम्मल हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं सबसे बेहतर हूं। यह चीज अल्लाह को ना पसंद आई, अल्लाह की नेमत वो भूल गया। उसे तवाज़ो खाकसारी से चलना चाहिए था, उसे चाहिए था कि अल्लाह का वो शुक्रगुजार बने। इसके बजाय वो खुद पसंद जब होने लगा, अपने आप को बहुत कुछ समझने लगा, अल्लाह को यह चीज बड़ी नापसंद आई, इसी वजह से अल्लाह ताला ने उसको जमीन में धंसा दिया। सिर्फ ये अपनी खुद पसंदी थी, और अगर इसमें दूसरों को हकीर जानना भी शामिल हो जाए तो खुद पसंदी से आगे बढ़ के तकब्बुर वाली बात आ जाती है, और जिसके दिल में तकब्बुर हो वो कभी जन्नत में नहीं जाया करता। जिसके दिल में तकब्बुर हो, दूसरों को हकीर जानने की कैफियत हो, वो आमतौर पर जन्नत में नहीं जाते। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे अल हलाकु फिस्नैन, कहते थे कि हलाकती दो चीजों से आती है, हलाकती बर्बादी दो चीजों से आती है, अल कनूत वल उज्ब, एक मायूसी से और दूसरा खुदपसंदी से, एक मायूसी से दूसरा खुदपसंदी से, इन दोनों से हलाकतें आती हैं, इंसान बर्बाद हो जाता है। मायूसी कैसे कि देखिए, अगर कोई बंदा अपने आप को नफा बख्श बनाना चाहता है, सआदतमंद बनाना चाहता है, उसे मेहनत करनी चाहिए, उसे मेहनत करनी चाहिए। और जो मायूस हो जाए, वो मेहनत नहीं करता, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता है, तो हलाको बर्बाद हो जाता है।
और वो आदमी जो खुद पसंदी का शिकार हो, समझे कि मेरे पास सब कुछ है, मेरी बात सबसे बेहतर है, मुझे किसी और से मशवरे की कोई जरूरत नहीं है, मेरा इकदाम, मेरा स्टेप, मेरा स्टैंड सबसे बेहतर है, मुझे किसी और से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर यह आ जाए, अब वो आदमी अपने आप को समझ जाए कि मेरे पास हर चीज है, अब वो कोशिश नहीं करेगा, वो मेहनत नहीं करेगा, और जो नहीं करेगा मेहनत वो भी हलाक हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इन दो बीमारियों से इंसान को बचे रहना चाहिए, मायूसी से और खुद पसंदी से, ये दो चीजें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। मुतर्रिफ रहमतुल्लाह कहा करते थे, لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا, कहते थे कि अगर मैं रात भर सोता रहूं, सुबह फजर को उठूं, मुझे थोड़ा अफसोस हो जाए कि मैंने रात की नमाज नहीं पढ़ी है, तहज्जुद मैंने नहीं पढ़ी, ये मुझे ज्यादा पसंद है इसके मुकाबले में कि रात में इबादत करूं, रात में तहज्जुद पढ़ूं, और सुबह मेरे दिल में खुद पसंदी आ जाए कि मैंने नमाज पढ़ी है, मैंने तहज्जुद पढ़ी है। गौर करने की बात है कि खुद पसंदी दिल का एक मर्ज है, दिल की एक बीमारी है, सोच का एक कीड़ा है जो पैदा हो जाए तो इंसान को बर्बाद कर देता है। इसमें दूसरों की हकारत का मसला नहीं है, दूसरों को हकीर जानने का मसला नहीं है, इसमें सिर्फ अपने अमल पर, अपनी बात पर, अपने स्टैंड पर, अपनी इबादत पर, अपने माल पर या अपनी किसी भी चीज पर एक किस्म की खुशी आपको महसूस होने लगे, ये चीज अच्छी नहीं है इंसान के अंदर, ये अल्लाह को नापसंद है। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से पूछा गया, मता यकूनु रजुल मुसीआ, कि कोई भी आदमी कब बिगड़ जाता है, कब बदअमल हो जाता है, तो कहने लगी इज़ा ज़न्न अन्नहु मुहसिन, जब वो ये समझने लगे कि नहीं वो बहुत परफेक्ट इंसान है, वो बहुत बेहतर करने लगा है, वो बेहतर है, जब ये समझने लगे तो समझे कि वो आदमी की बिगाड़ की इब्तिदा वहीं से हो गई, वो आदमी वहीं से बिगड़ने लगा। तो मज़ा साधरीन, इस बीमारी से अपने आप को बचाएं और अपने अपने दिल पे रखकर हाथ हर कोई अपना मुहासबा करे कि पता नहीं जिंदगी में कितने मौकफ ऐसे आए होंगे, कितने मरतबा ऐसे हुआ होगा कि आपको अपनी ही राय सबसे बेहतर लगी होगी, आपको अपनी बात सबसे बेहतर लगी होगी, अगरचे कि आपको बाद में जाकर के अफसोस हुआ हो, लेकिन नसीहतें हासिल नहीं करता इंसान। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस खतरनाक बीमारी से हमारी हिफाजत फरमाए, इस खुदपसंदी से जो इंसान को तकब्बुर तक, गुरूर तक ले जाती है, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز حاضرين امام بیہقی کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاث مہلکات کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں شح مطاع کہ انسان کے اندر بخیلی اس درجہ آ جائے کہ دوسروں کو تو دینا دور کی بات وہ اپنے آپ پر اپنے گھر پر خرچ کرنے کے تعلق سے بھی سوچنے لگے اپنا ہاتھ روکنے لگے بخیلی کہ بندہ مال جمانے اور روکنے کے پیچھے لگ جائے یہ ہلاک کر دینے والا عمل ہے وَهَوَن متبع اور دوسری چیز ہَوَن متبع کہ اس کے نفسانی خواہشات اتنے بڑھ جائیں کہ جو بھی کرے نفسانی خواہشات کے حساب سے کرے جو بھی کرے نفسانی خواہشات ہی کو مقدم رکھے
हमेशा नफसानी ख्वाहिशात को अपने सामने रखे, उसी के मुताबिक करने लगे, उसी के मुताबिक चलने लगे। हवन मुत्तबा, यानी उसके सामने सिवाय नफसानी ख्वाहिशात के कोई और चीज ना हो, यह भी इंसान को बर्बाद कर देने वाली चीज है। वह एजाब कुल्ली ज़ी रायिन बिरायिह, अल्लाह के नबी ने तीसरी चीज बयान करते हुए कहा कि हर इंसान को, हर राय रखने वाले को, हर सोचने वाले को अपनी सोच सबसे बेहतर लगने लगे कि मैंने सोचा, मैंने जो फैसला किया, मैंने जो कहा, यही सबसे बेहतर है, यही सबसे अफजल है, उसी पर वो खुश हो। यह भी इंसान को बर्बाद कर देने वाला अमल है, यह भी इंसान को बर्बाद कर देने वाला अमल है कि उसके अंदर एजाब आ जाए, अपनी राय को लेकर के खुद पसंदी उसके अंदर आ जाए। यह शरीयत में बड़ी नापसंदीदा चीज है, हलाक को बर्बाद कर देने वाली। अल्लाह के नबी ने कहा कि तीन चीजें हलाक को बर्बाद करती हैं, उसमें से एक यह है कि आप अपनी राय को सबसे बेहतर समझने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल हल नबियुकुम बिल अखसरीन अमाला الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि मैं तुम्हें बताऊं कि अमल करने वालों में सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाला कौन है? ये वो लोग हैं कि जिनकी जिंदगी के अमाल बिल्कुल गुमराह भटके हुए हालत में होते हैं और अपने आमाल के ताल्लुक से उनको यह लगता है कि सबसे बेहतर वही कर रहे हैं, उनको यह लगता है कि सबसे बेहतर वही कर रहे हैं। यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनअ, वो इसी गुमान में रहते हैं कि हम ही ने बेहतर किया है। इसी की ताबीर अल्लाह ने एक और जगह की, अफमन ज़ुय्यिना लहु सू अमली फराहु हसना, कि जिसको जिसके बुरे आमाल भी अच्छे लगने लगे और कयामत के करीब जो चीजें होंगी उसमें से एक यह भी है कि लोगों को अपनी राय, अपना मामला, अपने फैसले सबसे बेहतर लगने लगेंगे। और यह हकीकत है, हमारे अपनी जिंदगियों में हमने देखा, हम देखते हैं, छोटा सा 7-8 साल का बच्चा क्यों ना हो, वो भी अपनी राय रखता है। छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, वो भी अपनी राय रखता है, अपना एक स्टैंड रखता है। जाहिल क्यों ना हो, दीन के मामले में अपनी एक राय रखता है। मामूली सा आदमी क्यों ना हो, बैनुल अक्वामी मसाइल, इंटरनेशनल मसाइल में अपनी एक ओपिनियन रखता है, अपनी एक राय रखता है और उसी को सबसे बेहतर समझता है। ना वो दूसरों से मशवरा करता, ना दूसरों को अहमियत देता, ना दूसरों की बात तस्लीम करता। ये अजीब सी कैफियत हमारे अपनी जिंदगियों में, हमारे अपने लोगों में पाई जाती है कि मैंने जो कहा वही सबसे बेहतर है, उससे पलटने तैयार नहीं होते, उसकी गलती को मानने तैयार नहीं होते। मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ अंदाज से अपनी अपनी जिंदगियों में आजमा करके देखें, अपने घरों को, घरों के लोगों में आजमा करके देखें, आपको पता चलेगा कि एजाब कुल्ली ज़ी रायिन बिरायिह, हर इंसान अपनी ही राय को बेहतर समझने लगे, यह किस हद तक हमारी जिंदगियों में दाखिल हो चुका है। यह सिर्फ दीनी मसाइल नहीं है, मियां बीवी का मसला हो, बीवी अपने आप को सबसे बेहतर समझती है, अपनी राय को, अपने फैसले को बेहतर कर जानती है तो शौहर अपनी राय को सबसे बेहतर समझता है। दो भाइयों का मसला हो, ये अपनी राय को बेहतर समझता है, वो अपनी राय को बेहतर समझता है। वालिदैन और औलाद का मसला हो, औलाद अपनी बात पर अड़ जाती है, वालिदैन अपनी बात को मनाते मनाते थक जाते हैं। चाहे बिजनेस को आप लें, चाहे पढ़ाई को आप लें, चाहे दीनी मसाइल को आप लें, और मसला सबसे ज्यादा संगीन वहां हो जाता है जब न जानने वाला दीनी मसाइल में अपनी ओपिनियन रखे, अपनी राय रखे, अपना स्टैंड रखे। जिसको सही तौर पर अरकान इस्लाम पता ना हो, अरकान ईमान पता ना हो, जिसको सही तौर पर वजू करने ना आता हो बल्कि उससे बढ़ के तहारत के आदाब ना जानता हो, बैतुल खला के आदाब उसे पता ना हो, कब गुस्ल वाजिब होता है, कब वजू वाजिब होता है उसका उसे पता ना हो, और बड़े बड़े मसाइल में अपनी राय रखे, अपनी राय को बेहतर समझे, मामला यहां पर आकर के बर्बाद हो जाता है, उसको बर्बाद कर देने वाली चीज है। तो मसद हाजरीन, इस खुदपसंदी से अपने आप को बचाने की कोशिश करें,
چاہے جو مسئلہ کیوں نہ ہو، انسان متواضع ہو، خاکسار ہو، نرم مزاج ہو، ہر ایک کی بات کو سنے، خاص طور پر جو اس کے خیر خواہ ہوں، نصیحت کرنے والے ہوں، علم میں اس سے بڑے ہوں، تجربے میں اس سے بڑے ہوں، اور کئی اعتبارات عمر میں اس سے بڑے ہوں، ان کے سامنے اخلاق سے پیش آئے، ان کو اہمیت دے، ان کو سنے، اپنے آپ کو، اپنی بات کو ٹٹولنے کی کوشش کرے، تحقیق کرنے کی کوشش کرے، اپنے بڑوں کی بات کو لے کر کے چلنے کی کوشش کرے، خود پسندی سے اپنے آپ کو بچا پائے گا، اور اگر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھے تو یاد رکھے ایسے ہی لوگ برباد ہوتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ تین چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان اپنی رائے کو، اپنے سٹینڈ کو، اپنے موقف کو سب سے بہتر سمجھنے لگے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ بیماری سے جو ہمارے دین و ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہو ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ خود پسندی جیسی بری بلا سے ہمیں نجات دلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ کی شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اخلاق فاضلہ کا اپنانے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ کے نبی کی سنتوں کا پابند بنائے زندہ رکھے، منہج سلف پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.